मीडिया मीडिया मीडिया। आजकल हर जगह ये लफ्ज़ आपको सुनने में आता है और आज मैं आपको दोबारा ये लफ्ज़ सुनने पे मजबूर करूँगा, बिकॉज नाउ वी आर इन अ टॉपिक विच इज़ अबाउट सेटिंग्स बट फॉर मीडिया। क्या आपको याद है कि मीडिया सेटिंग्स क्या है या मीडिया सेटिंग्स कैसे काम करती हैं? आई mentioned मीडिया टू यू once, बट दैट was कॉल्ड अ मीडिया लाइब्रेरी। मीडिया लाइब्रेरी क्या होती है? इट इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन स्टोर अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट एंड दैट कॉन्टेंट हैज़ रूल्स एंड बिकॉज दैट कॉन्टेंट हैज़ रूल्स इसीलिए हम मीडिया की सेटिंग्स को सीखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं कि कैसे मीडिया की सेटिंग्स को हम मैनेज कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सेटिंग्स के बारे में दोबारा बताता चलूं कि दिस इज द ब्रेन ऑफ वर्डप्रेस, दिस इज द पार्ट वेयर यू विल बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग अबाउट वर्डप्रेस। ऑनेस्टली सेटिंग्स का एरिया वैसे तो आप रोज रोज एक्सेस नहीं करेंगे, बट जब भी आप एक्सेस करेंगे इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। ये बिल्कुल आपकी एक समझ लें जिस तरह एक गाड़ी होती है कि गाड़ी का इंजन पड़ा हुआ है और गाड़ी के इंजन को आपने रोज देखना तो नहीं है, बट जब भी आपने इंजन को खोलना है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर आप खुद सही तरह से नहीं समझ सकते इस एरिया को तो यू कैन ऑलवेज आस्क एन एक्सपर्ट, इट कुड बी अ फ्रेंड, इट कुड बी अ फैमिली मेम्बर, इट कुड बी एनी वन इन योर सर्कल हु नोज कि ये क्या चीज़ हो रही है, बिकॉज दिस इज द ब्रेन ऑफ वर्डप्रेस। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द सेटिंग्स एरिया। I cannot stress enough on this. मैंने ये बहुत बार पहले आपको बार बार चीज़ कही हुई है, बट बीवेयर, क्योंकि अगर आप इसमें किसी भी तरह की गलत कन्फिग्रेशन करेंगे आपकी साइट बैठ जाएगी, और जब आपकी साइट बैठ जाएगी तो आप भी बैठ जाएंगे, आप बैठ जाएंगे तो पूरी कम्युनिटी भी बैठ जाएगी और कोई भी पैसे नहीं बनाएगा। एट द एंड ऑफ द डे वी आर हियर टू लर्न हाउ वी कैन मेक मनी एंड एट द सेम टाइम how we can learn together and how we can grow this community together. Settings ko aram se sochein, samjhein, doston ke saath discuss karein, baithein, phir is pe amal karein. Ab baat karte hain media settings ke bare mein. Kya hai media settings? Maine aapko bataya abhi ki media settings is the area through which you can edit settings for the media library. Media library kaise behave karti hai, उसके ऊपर इमेजेस क्या हैं। सो द मीडिया सेटिंग्स डिफाइन द डिफॉल्ट इमेज साइजेस दैट आर क्रिएटेड व्हेन एन इमेज इज अपलोडेड। वर्डप्रेस पे क्या होता है, जैसे ही वर्डप्रेस पे आप एक इमेज अपलोड करते हैं, वर्डप्रेस थ्रू इट्स मशीन लर्निंग सीज के इस इमेज के कौन कौन से पोर्शंस बनाने, कौन कौन से सेगमेंट्स बनाने, कौन कौन से साइजेस बनाने, एंड बेस्ड ऑन दोज साइजेस इट प्रोवाइड्स यू द ऑप्शन कि आप इमेज को लार्ज सेलेक्ट कर सकें, स्मॉल सेलेक्ट कर सकें। सो इन मीडिया सेटिंग्स में यू कैन चेंज दी साइजेस। आपने देखा होगा कि जो थंबनेल है वो हमेशा स्क्वायर होता है, वो स्क्वायर क्यों होता है? बिकॉज यू डिफाइन इट इन सेटिंग्स कि मुझे ये मीडिया थंबनेल इस साइज का चाहिए। अगर आप मीडिया थंबनेल की सेटिंग्स को चेंज करेंगे तो यू कैन ऑल्सो गेट थंबनेल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। यू कैन ऑल्सो कन्फिगर whether your uploaded media files are stored in folders based on the year and month of the upload. भाई अगर आप चाहते हैं कि आप ये डिफाइन कर दें कि जो मेरी मीडिया अपलोड्स हैं उनको मंथ बाय मंथ कैटेगरी में अपलोड कर दें, स्टोर कर दें, वो भी आप इसी प्लेटफॉर्म जो कि सेटिंग्स का प्लेटफॉर्म है उससे आप कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस एरिया allows you to make all these changes which are going to be very critical to how images work. Aur saath hi saath it's not just about images. Media library mein maine aapko bataya tha bahut sari aur cheeze bhi upload ho sakti hain. Kya kya? Remind karaye mujhe. Sabse pehle images. Images or one image is worth more than 1000 words. Images make websites beautiful. They make websites visual. और इसीलिए ये वो एरिया है जिधर आप images को edit कर सकते हैं। There are a few plugins which will also give you the opportunity
to enhance the media settings to edit things like audio, video, but by default aap sirf yahan pe images hi ki settings ko change kar sakte hain. So do major settings hain idhar. Ek jaise ki maine aapko bataya ki aap image ke different sizes ko change kar sakte hain aur aap uploaded files ke organized folder structure ko yahan change kar sakte hain. Be very careful because WordPress uploads a lot of files. For every file that you upload, WordPress will create 5 other files. Iska kya matlab hai? Iska matlab hai ki agar aapne ek file upload ki hai WordPress pe, to wo uski 5 files khud banayega. Aur agar aapne 100 files upload ki hai, to wo uski 500 files khud banayega. So you have to be very cautious कि आप सेटिंग्स को सही तरह से कॉन्फ़िगर करें ताकि आपकी वर्डप्रेस की साइट ऑप्टिमाइज रहे और ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा बैंडविड्थ यूज़ ना हो. क्या करते हैं अब हम? अब हम चलते हैं लाइव ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि ये जो फाइल्स हैं ये कैसे अपलोड हो रही हैं, ये कहाँ अपलोड हो रही हैं एंड हाउ वी कैन चेंज देम इन सेटिंग्स. सो अब देखते हैं कि वर्डप्रेस इमेजेस को अपलोड कैसे करता है. सबसे पहले मैं जाऊँगा गूगल पे और मैं एक इस्लामाबाद बल्कि पाकिस्तान से रिलेटेड इमेज डाउनलोड करूंगा. तो आई थिंक दिस इमेज इज रियली ब्यूटीफुल. तो मैं क्या करता हूं, आई विल जस्ट डाउनलोड दिस एंड सेव दिस. अब मैं जाऊंगा अपनी वर्डप्रेस साइट पे और मैं मीडिया लाइब्रेरी पे इस इमेज को अपलोड करने की कोशिश करता हूं. अब आप देख रहे हैं ये इमेज अपलोड हो गया है. सो आई गो टू माय लाइब्रेरी एंड आई क्लिक ऑन द इमेज. सो यू कैन सी दिस इमेज हैज बीन अपलोडेड हियर. बट समथिंग इंटरेस्टिंग दैट वर्डप्रेस डजंट शो यू इज फॉर एवरी इमेज इट अपलोड्स 5 डिफरेंट सेपरेट इमेजेस जो कि डिफरेंट साइजेस के हैं. इसको लाइव दिखाने के लिए आई विल क्रिएट अ न्यू पोस्ट एंड ऐड मीडिया करके अब आप देखें कि इस इमेज को मैं सिलेक्ट करूंगा. अगर मैं इसका थंबनेल सिलेक्ट करूं तो वो छोटे साइज में आएगा. अगर मैं इसका मीडियम साइज सिलेक्ट करूं तो वो किसी और साइज में आएगा. दिस शोज यू कि वर्डप्रेस अपलोड्स मीडिया फाइल्स इन डिफरेंट साइजेस. अच्छा, जैसे अब मैंने आपको दिखाया कि पोस्ट में डिफरेंट इमेज के साइजेस हैं. सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो टू सेटिंग्स मीडिया एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट फाइल साइजेस आपको नज़र आ रहे हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं. आई कैन चेंज देम इफ आई वांट. अगर मुझे थंबनेल अपना बड़ा चाहिए, मुझे साइजेस उसके चेंज करने, एनीथिंग दैट आई वांट आई कैन चेंज इट हियर. तो मैं आपके सामने ये करता हूँ कि मैं थंबनेल का साइज चेंज कर देता हूँ. मैं कहता हूँ कि मुझे अपना थंबनेल बहुत ही छोटा चाहिए, 50 पिक्सल बाय 50 पिक्सल. आई क्लिक ऑन सेव चेंजेस and I'll try to add the same image again. I'll go to a post, add media पे मैं जाऊंगा. मैं पुराने image को delete कर रहा हूं और मैं आपके सामने अब एक नया image करने लगा हूं upload with the new settings. So जैसे ही मैं ये new settings के साथ image को upload करूंगा, thumbnail now says कि 50 बाय 33 का उसने एक थंबनेल क्रिएट कर दिया. क्लिक ऑन इंसर्ट पोस्ट एंड नाउ यू विल सी कि वो चुन्ना मुन्ना सा छोटा सा जो थंबनेल है वो वहाँ पे आ गया. सो सेटिंग से मैं इसको इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ. आई वुड इंकरेज यू टू डू दिस एज वेल. दोबारा जाते हैं सेटिंग्स मीडिया पे और यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन है, वो है ऑर्गेनाइज माई अपलोड्स इनटू मंथ एंड ईयर बेस्ड फोल्डर्स. आई वुड हाईली सजेस्ट कि अपनी साइट को ऑप्टिमाइज रखने के लिए आप इसको इनेबल रखें. एक और प्लगइन है जिसका नाम है ऑटो जनरेट थंबनेल्स. इस प्लगइन के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यह प्लगइन आपको अलाउ करेगा टू क्रिएट थंबनेल्स ऑफ ओल्ड पोस्ट्स या पुरानी इमेज लाइब्रेरी में से आप थंबनेल्स को रीजनरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द न्यू सेटिंग्स दैट यू हैव डन. ये याद रखिएगा, जब आप सेटिंग्स अपलोड करते हैं
सो रेट्रोस्पेक्टिवली सेटिंग्स नहीं अप्लाई होती हैं. पुरानी पोस्ट या इमेजेस पे सेटिंग्स आर नॉट अप्लाइड, दे आर ओनली अप्लाइड टू फ्यूचर इमेजेस. सो यूजिंग दिस प्लग इन यू कैन एक्चुअली रीजनरेट थंबनेल्स. दिस वॉज द फोकस ऑफ आवर लेसन टू टीच यू हाउ टू यूज द मीडिया सेटिंग्स, क्योंकि इन सेटिंग्स की वजह से आप अपनी वेबसाइट पे चार चांद लगा सकते हैं. कीप लर्निंग विद अस, बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी एंड कीप शेयरिंग ऑल दैट कम्स टू यू. जो भी क्वेश्चंस आपके जहन में हैं, कोई कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, ताकि हम मिलके आगे बढ़ सकें.